अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का सेंट्रल न्यूज़ ऑफ इंडिया में खैर मकदम करता हूँ। वो एक्सरे निकाले तो उसमें थोड़ा गड्ढा है बोल के मालूम हुआ। जब डॉक्टर कहने आए कि इलाज के लिए यहाँ आए तो हम ये सर्जरी कर लेते हो जाता, वो इमिडिएटली हो जाता बोल के बोले। पहले कैंसर बोल के बोले थे, फिर बाद में बोले वो रिपोर्ट्स आए बाद में कैंसर नहीं है, दूसरा गड्ढा है, निकाल दिया तो हो जाता, पेशेंट ठीक हो जाता एक घंटे में बोल के बोले। वो उम्मीद से आके हम लोग 26 को आके यहाँ एडमिट हुआ हमारा भाई शिव प्रसाद गौड़। हुए बाद में कल सर्जरी को लेके गए 11 बजे से रात 11 बजे तक ऑपरेशन करें, वो गड्ढा निकाल के हमारे को बताए, मगर हमारा परमिशन बिना परमिशन लेके बच्चे का किडनी निकाल दिए। बच्चे का किडनी निकाले हमारे को बताया भी नहीं, किडनी निकाल के बोला भी नहीं। हमारे को 11 बजे ऐसा मालूम हुआ, 11 बजे दूसरे डॉक्टर आके इमीडिएटली 3 लाख रुपए बनो नहीं तो हम ट्रीटमेंट बंद कर देते बोल के बोले। हमारा चाची भागते रोते हुए भागते जाके कोऑपरेटिव बैंक इतना से 3 लाख रुपए लेके आके बने। फिर हमारे को मालूम हुआ कल ये किडनी निकाले बोल के, हम जबरदस्ती करके वो डॉक्टर को पूछे तो दूसरा डॉक्टर बोला यस किडनी रिमूव करे बोल के बोले। वो जो डॉक्टर वो रिमूव करा अब तक नहीं आया। हम जबरदस्ती करके मैनेजमेंट को पूछे तो 5 बजे उसको डॉक्टर को बुलाए, हम सब जाके पूछे तो जब ये हमारा गलती हुआ, उमाशंकर तना जबान से करे वो वीडियो भी क्लिपिंग हम लिए, हमारा गलती हुआ हम नहीं बोले आपसे बोल के उन्हें कबूल कर लिए, वो सीए के सामने भी कबूल करे बाद में अब कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करे, लैंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करे, अब कुछ भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करे, फिर भी वो अस्पताल वाले सीआई को एसीपी को डीसीपी को सब रैपिड एक्शन फोर्स को भी लाए, हमारे को डरा रहे। ये क्या है हमारे को इंसाफ ही होना, किडनी निकाले बाद में भी ऐसे पेशेंटों के ऊपर इतना बड़ा वो करे तो भी अच्छा नहीं रहता। हम यहाँ डॉक्टर को कैसे आते, डॉक्टर का हमारे को इंसाफ होना, इल्ज़ाम वो ट्रीटमेंट होना बोल के इतना दूर आए तो भी किडनियाँ निकाले के भी पेशेंट के ऊपर इतना दबाव करे तो जबरदस्ती करे तो हम ये क्या है, ये कौन से देश में अपन डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये क्या है कंट्री है बोल के हमारे को उम्मीद नहीं हो रहा। हम पूरा हमारा जो बच्चा है वो बच्चा एन आर आई है, 31 साल का बच्चा है, शादी भी नहीं हुआ, बहुत क्या हुआ हस्ता हस्ता खेलता बच्चा है, 2 महीने के नीचे ये इंडिया को आया, ये अब पूरा वो बच्चा जिंदा है भी मर गया बोल के भी हमारे को नहीं मालूम, वेंटिलेटर पे लगा दिए हमारे को इमीडिएटली। कितने पूछे तो अभी डॉक्टर बोले चल रहा बोल के बोल रहे, ये सब हमारे को ये उम्मीद नहीं है ये डॉक्टरों के ऊपर। ये यशोदा हॉस्पिटल जो नलगोंडा बस स्टैंड है ये इमीडिएट के इसके ऊपर चाहे एक्शन लेना इमीडिएटली, ये हॉस्पिटल इमीडिएटली सीज करके फिर रिटर्न नहीं होना, ऐसे काम हरकत है कोई भी डॉक्टर नहीं करना। पेशेंट के वो क्या बोलते हैं अपन जान से नहीं खेलना बोल के मैं आपके मीडिया के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली ये सब ये सीएम तक लेके आना, ऐसे जालिमों को इमीडिएट पनिशमेंट देना बोल के बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप CNI News को सब्सक्राइब कर ले, आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हिम्मत अफजाई।